तो दोस्तों सब्सक्राइब करें माया टेक्निकल यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पर। उससे पहले फ्रेंड अगर आपने अभी तक हमारे और आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर जो कल मैच हुआ था एशिया ओडीटी कप का। तो फ्रेंड मैं उसमें आपको यहाँ पर कैमरन व्हाइट का अपडेट नहीं दे पाया था क्योंकि जो मेरा नेट कनेक्शन था फ्रेंड वो नहीं चल रहा था। यहाँ पर 9-10 बजे के बाद बड़ी मुश्किल से कल रात यहाँ पर नेट चल रहा था फ्रेंड, जिस कारण से मैं यहाँ पर वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया था। हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड मैंने जियो मनी का जो अपडेट था वो डाल दिया था। तो कैमरन व्हाइट का अपडेट फ्रेंड मेरे को रात को 3 बजे मिला था जब मेरा नेट चालू हुआ था। उससे पहले फ्रेंड यहाँ पर नेट नहीं चल रहा था जिस कारण से मैं यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में भी कोई भी अपडेट नहीं दे पाया। तो मेरे भी जो कैप्टन है वो कैमरन व्हाइट ही थे। तो रात को जब मेरा नेट चालू हुआ उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर मैं जब न्यूज़ वगैरह चेक की तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर कैमरन व्हाइट नहीं खेलेंगे इस मैच को क्योंकि लास्ट मैच में फ्रेंड वो गेंदबाजी डालते हुए यहाँ पर इंजर्ड हो गए थे। तो इस कारण से फ्रेंड यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डाउट था उनके ऊपर, पर इतना नहीं था कि वो यहाँ पर इस मैच को नहीं खेलेंगे। तो फ्रेंड जो अपडेट था वो लास्ट अपडेट मेरे को यहाँ पर 3 बजे मिल चुका था, लगभग 2-3 बजे के आसपास। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर जो अपनी टीम थी वो एडिट कर ली थी तो मैं वीडियो भी नहीं अपलोड कर पाया। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस मैच की, तो टीम की पिच की बात करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो पिच यहाँ पर सिडनी की पिच है यहाँ पर, और बैटिंग पिच आपको देखने को मिल सकती है 300 या 300 प्लस आपको स्कोर भी देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो आप उसी हिसाब से टीम बनाइए, आप ज़्यादा यहाँ पर बैट्समैन और ऑलराउंडर्स पर यहाँ पर अपना फोकस रखिए। तो फ्रेंड विकेट कीपर में यहाँ पर मैं मैथ्यू वेड के साथ जा रहा हूँ। जो आपके पास यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है वो हैरी नेल्सन है। हालांकि फ्रेंड यहाँ पर हैरी नेल्सन है नंबर 6 से 7 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, पर इन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पर अभी तक बैटिंग की है। लास्ट मैच में इन्होंने 90 प्लस स्कोर किया था, तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं। पर मैं मैथ्यू वेड के साथ जा रहा हूँ जो नंबर 4 से नंबर 5 के बीच आएंगे। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकता है, हालांकि सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएंगी दोनों ही टीमें जो लास्ट मैच में हुआ था, और फिर भी यहाँ पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ चेंज आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं बल्लेबाजी की। तो बल्लेबाजी मैंने यहाँ पर जॉर्ज बेली को लिया, बेन डक, मैक्स ब्रांड, जैक कार्डर और बेन मैकडरमॉट। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर इन 5 बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ। जो आपके पास यहाँ पर बहुत अच्छे ऑप्शन है वो एलेक्स डोलन है, यहाँ पर क्लिंट हिंचक्लाइफ है। तो फ्रेंड आप जो क्लिंट है इनको ले, बहुत अच्छे यहाँ पर ऑलराउंडर्स की भूमिका निभा रहे हैं टीम में, 5 से 6 ओवर भी अपने डालते हैं और विकेट मिल जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर 8 से 10 ओवर भी अपने कर लेते हैं और बल्लेबाजी बहुत अच्छी करते हैं, तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड आप एक काम कर सकते हैं, मैक्स ब्रायंट या फिर जैक कार्डर की जगह इनमें से किसी एक की जगह यहाँ पर क्लिंट को अपनी टीम में ले सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आपके पास होता है वो जॉर्डन सिल्क का है, तो आप ये ऑप्शन के साथ यहाँ पर जा सकते हैं। तो वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स ऑलराउंडर्स की। तो ऑलराउंडर्स में हमने यहाँ पर ब्यो वेबस्टर को लिया और जेम्स फॉकनर को लिया। तो मैं 2 ऑलराउंडर्स के साथ जा रहा हूँ। जो आपके पास यहाँ पर अब ऑप्शन बचता है फ्रेंड वो टॉम रोजर्स का है। तो टॉम रोजर्स बहुत अच्छा ऑप्शन है और जोनाथन मैरलो, तो इनमें से भी आप किसी एक को यहाँ पर अपनी टीम में ले सकते हैं। वहीं फ्रेंड बात करते हैं गेंदबाजी, तो गेंदबाजी में हमने यहाँ पर कैमरून बॉयस को लिया है, मार्क स्टेक्टी को लिया है और यहाँ पर रिले मैड्रिड को लिया है। तो आप रिले की जगह फ्रेंड यहाँ पर बैन को ले सकते हो या फिर आप यहाँ पर जैक्सन कोलीमैन को ले सकते हो, पर फ्रेंड यहाँ पर रिले मेरे को ज़्यादा बेस्ट लगा तो मैं रिले के साथ जा रहा हूँ। हालांकि फ्रेंड यहाँ पर बैन भी बहुत अच्छे यहाँ पर बॉलिंग करते हैं और जैक्सन कोलीमैन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी कर लेते हैं, तो आप इनमें से किसी एक के साथ भी यहाँ पर जा सकते हैं। तो टीम को नेक्स्ट कर देते हैं। तो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं, तो कैप्टन में बैन डंको बना रहा हूँ जो यहाँ पर ओपनिंग करते हैं। और फ्रेंड इन्होंने लास्ट मैच में गेंदबाजी की थी क्योंकि विकेट कीपर है मैथ्यू वेड, अब विकेट कीपिंग कर रहे हैं। तो बैन टंग ने यहाँ पर जो गेंदबाजी की थी उसमें बहुत शानदार गेंदबाजी की थी और 2 से 3 विकेट भी इन्होंने यहाँ पर लिए थे। तो वाइस कैप्टन में जॉर्ज बेली है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर सकते हैं जैसा भी आपको यहाँ पर लगता है। तो बाकी फ्रेंड यहाँ पर टीम न्यूज़ और पिच भी मैंने आपको बता दी है, तो टीम को सेव कर देते हैं। एक बार रिव्यू देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो रिव्यू है तो आप रिव्यू देख लीजिए फ्रेंड। यहाँ पर हमने जॉर्ज बेली को यहाँ पर वाइस कैप्टन किया और बैन डंग को कैप्टन किया है। तो इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आप कैप्टन कर सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो, जैसा मैंने क्लिंट पर बताया आप इनको कैप्टन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जैक कार्डर, मैक्स ब्रांट, तो ये मतलब बैट्समैन फ्रेंड आप कोई सा ही बैट्समैन कभी भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। और ऐसा अगर यहाँ पर आपने किसी अलग बैट्समैन को यहाँ पर कैप्टन किया होगा या वाइस कैप्टन किया होगा तो आप आसानी से यहाँ पर ग्रैंड लीग भी विन कर लोगे। तो ब्यो वेबस्टर बहुत अच्छा ऑप्शन है जो हम नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी लास्ट मैच इन्होंने गेंदबाजी नहीं की थी तो गेंदबाजी बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर ये टीम है, और अगर आपने तक यहाँ पर माई टीम इलेवन को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप माई टीम इलेवन को ज्वाइन कर सकते हो। आप वेबसाइट से जाके अपना पैन कार्ड जैसे ही अपलोड करोगे तो आपको 3 आवर्स के अंदर यहाँ पर जो पैन कार्ड है वो वेरीफाई हो जाएगा और आपको 100 रुपीज़ बोनस के मिल जाएंगे। फ्रेंड्स प्लेयर पुट का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जिसके मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर जो विड्रॉल है वो दिखा चुका हूँ। तो पेटीएम में विड्रॉल मिलेगा आपको, कोई भी यहाँ पर अपना पैन कार्ड वगैरह कुछ भी वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है, और आप जिसको भी रेफर करोगे उससे आपको लाइफ टाइम अर्निंग होती रहेगी। तो लिंक प्लेज पुट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
see if we are meant to be. It's different.